नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। धूमधाम से मना गोवर्धन में मुड़िया महोत्सव, जिसे कहते हैं करोड़ी मेला। मथुरा के गोवर्धन स्थित राज महाराज का 5 दिवसीय मेला धूमधाम से संपन्न हुआ, जिसमें देश विदेश के करोड़ों श्रद्धालु गिरिराज परिक्रमा लगाने आए। सुरक्षा व्यवस्था के लिए फॉरेस्ट पुलिस अधीक्षक द्वारा कड़े इंतजाम किए गए। सीसीटीवी कैमरा के जरिए भी निगरानी की गई। भारी संख्या में पुलिस बल पूरी गोवर्धन तहसील के अंतर्गत मौजूद रहा। 1000 सरकारी बसों की व्यवस्था उत्तर प्रदेश परिवहन द्वारा की गई। गुरु पूर्णिमा मेला के आखिरी दिन साधु संतों द्वारा सर मुंडवाकर शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें विधायक राजेश चौधरी और विधायक मेघ श्याम सिंह भी मौजूद रहे और मुड़िया महोत्सव का समापन हुआ। देखिए खास रिपोर्ट मथुरा से संवाददाता ब्रजवीर सिंह जादौन की रिपोर्ट। जय जय श्री राधे श्याम राज महाराज की जय। राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। मुड़िया संतोषिला सनातन गोस्वामी पाद की जय। सनातन गोस्वामी पाद की याद में ये मुड़िया शोभा यात्रा निकाली जाती है। ये खास करके गोवर्धन की मेला है। मुड़िया पूर्णिमा जो मेला, ये केवल गोवर्धन की है। गुरु पूर्णिमा सारा विश्व में मनाया जाता है। सनातन परंपरा में ये गुरु पूर्णिमा महोत्सव सारा विश्व में जितना सनातनी भाई बंधु है वो सब मनाते हैं, लेकिन गोवर्धन धाम में ये मुड़िया महोत्सव मनाया जाता है। क्योंकि सनातन गोस्वामी पाद की जब शरीर को गोलोकवास हुआ था, तभी यह मुड़िया मेला महोत्सव प्रारंभ हुआ था। उस मुड़िया मेला को आज भी परंपरागत रूप से हम निभा रहे हैं। कितने भक्तों की भीड़ यहाँ आई है? देखिए, ये तो गिना नहीं जा सकता है, ना कहा भी जा सकता है, क्योंकि 5 दिन की जो मेला है, एकादशी से लेकर के पूर्णम तक, तो लाखों नहीं करोड़ों संख्या में भीड़ आते हैं। और आज भी शोभा यात्रा में अनगिनत भक्तों लोग शामिल हुए हैं। देश विदेश से भक्तों लोग आए हुए हैं, जो गुरु पूर्णिमा की शुभ महोत्सव पर मुड़िया संत सनातन गोस्वामी पाद की कृपा आशीर्वाद प्राप्ति करने के लिए ये मुड़िया महोत्सव में शामिल हुए हैं। तो ये तो ठाकुर जी की कृपा है, उनकी कृपा से, नहीं तो भक्तों जनता कहाँ पर इतना आते हैं। ये तो ठाकुर जी का ही कृपा है, उनका ही प्रसाद है, जो भक्त लोग खींच के चले आते हैं। ठाकुर जी का प्रेम है, आज भी भक्त लोग उनका कृपा आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं।